हम जिंदा ही रहेंगे, गोलियां चलेंगे भी तो जिंदा रहेंगे, फिक्र मत करो, जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, उसको बताया गया गिजा मिलती है। तुम जिंदा रहेंगे कभी इनके पेट में दर्द, दिमाग में दर्द, रातों की नींद हराम, और अगर हम शहीद भी हो गए तो हमसे बेहतर अल्लाह तुमको बनाएगा और तुम शहादत करोगे इंशाल्लाह। हम आपसे कह रहे थे कि हम पर इल्जाम लगता है, अरे अभी सुनो, जाना है ओलन कठोले में, अरे सुनो, हम आपसे कह रहे थे कि हमारे जाने के बाद इबलीस के एजेंट आएंगे, तो इन इबलीस के एजेंटों से पूछना कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, अपनी मां और बहनों की भी तवज्जो चाहूंगा, जो खेत में हर जगह बैठकर सुन रहे हैं हमारी बात को, कि उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हैं, उसमें से 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते, हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की पूरी स्टडी करवाई, हमारे पास डेटा है, और अगर कोई इनकार करेगा तो हम उससे कहेंगे कि वक्त और जगह बता दो, हमसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट बैठ नहीं पाओगे हमारे सामने। हम हवाई फायरिंग नहीं करते, हम लंबी लंबी नहीं छोड़ते, लंबी लंबी छोड़ना बीजेपी की आदत है। तो 10 में से 7 बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हम पर इल्जाम लगाते बताओ, जिसको सत्ता मिली, समाजवादी के पिता मुख्यमंत्री कई मर्तबा बने, बेटे बने, मंत्री बने, संतरी बने, फिर तुमने हमको पढ़ाया लिखा क्यों नहीं? हमसे क्या कहा गया? तुम पढ़ना लिखना नहीं, तुम सिर्फ जवानी कुर्बान करना, तुम सिर्फ दरी बिछाना, तुम सिर्फ वोट डालना, कैदी बन के रहना। आपको मालूम मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुस्लिम परिवार है, वो अपने घर में सिर्फ 7 रुपये अगर खर्चता है, तो महाराष्ट्र का मुस्लिम परिवार 10 रुपये खर्चता है। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं, और उसी गरीबी की वजह से हम पढ़ा नहीं सकते।